हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे स्टैंडिंग वेव्स की। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप। बैंड बाजे वाले देखे होंगे, है ना, वो पाँ 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 वो बजाते हैं, तो उसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं जिसके कारण तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज सुनाई देती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालो स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप। ये ऑर्गन पाइप होती है दो टाइप की। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक तो होता है ओपन एंड। ओपन एंड में क्या होता है कि भाई पाइप के दोनों एंड होते हैं ओपन, और दूसरा होता है क्लोज्ड। तो क्लोज्ड में दोनों एंड क्या होते हैं? नहीं, क्लोज्ड में दोनों एंड क्लोज होंगे तो इसके अंदर हवा कैसे जाएगी, इसके अंदर वेव्स कैसे बनेंगी? एक एंड क्लोज होता है। क्या होता है? एक एंड क्लोज। अब ये क्लोज और ओपन एंड का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जो हवा का पार्टिकल है वो यहां पे आके अटक गया, इसके आगे जा नहीं सकता, तो यहां पे हवा के पार्टिकल का क्या बन गया? नोड। क्या बन गया? नोड, कि भाई अब नहीं जा सकता वो कहीं भी। यहां वाला पार्टिकल बहुत अच्छे से वाइब्रेट कर सकता है, तो यहां वाला पार्टिकल कहां पे होगा? एंटी नोड पे होगा। ये मतलब फिक्स्ड एंड, ये मतलब फ्री एंड। किसके लिए? पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या ये बात समझ में आई? और सोचना, ये तो हम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे हैं। कई बार बातें हवा के प्रेशर के बारे में भी करी जाती हैं। प्रेशर कहां पे मैक्सिमम होगा, यहां पे या यहां पे? सोच के देखो, हवा के पार्टिकल्स कहां पे डेंस होंगे? यहां पे, है ना, यहां पे घमासान हो रखा होगा, तो यहां पे जो प्रेशर होगा उसका मैक्सिमा यानी कि प्रेशर का एंटी नोड होगा यहां पे, और यहां पे प्रेशर का नोड होगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करूं, यहां पे एंटी नोड और यहां पे नोड। अगर प्रेशर की बात करूं, यहां पे नोड और यहां पे एंटी नोड। ये नोड का मतलब प्रेशर जीरो नहीं है, नोड का मतलब कि एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में यहां पे प्रेशर कुछ खास नहीं है, मतलब जो एटमॉस्फेयर का वही यहां पे है। यहां पे गेज प्रेशर जीरो है, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में जीरो है। ये समझ में आया? इसलिए प्रेशर का नोड लिखा यहां पे। चमकी बात इतनी? ठीक है, तो एक चीज से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन एंड से बातचीत शुरू करते हैं। तो ओपन एंड में सबसे पहले फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड। देखो, ओपन एंड अपने को बनाना है एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो सबसे छोटी वेव क्या बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी, अरे हाँ कि ना, ये सबसे छोटा। अगर इसकी लंबाई L है तो ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, यानी कि ये लैम्डा बाय 2 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 2L। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1/2L इंटू वी। वी जो भी होगा, वेलोसिटी अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी वगैरह, जो भी होगा। तो ये है अपनी फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी। सही बात? ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन में इसके बाद क्या बनेगा भाई? इसके बाद कुछ ऐसा बनेगा, अरे हाँ कि ना। तो ये लैम्डा की टर्म में कितना है? ये लैम्डा, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 2, टोटल लैम्डा। अच्छा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो वी बाय लैम्डा, यानी कि वी बाय एल बन रही है। दैट इज इक्वल टू टाइम्स एफ नॉट। अरे ये एफ नॉट का दो गुना आया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड हार्मोनिक। अरे हाँ कि ना, सेकेंड हार्मोनिक बोला जाएगा इसको। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। इसके बाद सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन देखो भाई कैसा बनेगा। इसके बाद क्या शक्ल बनेगी? कुछ ऐसा बनने वाला है ना, लैम्डा की टर्म में 3λ/2। गलत बोल दिया मैंने, λ/2 और 3λ/2। सही लिखा भाई, लैम्डा इज इक्वल टू 2L/3। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3V/2L इज इक्वल टू 3F0। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक।
अरे सही बोल रहा हूं। इसी तरीके से तुम फोर्थ ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन वगैरह 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 क्या निकाल सकते हो। समझ में आया? छापो। फिर इसके बाद हम लोग क्लोज्ड एंड की चर्चा करेंगे। छाप लिया? चलो हेडिंग डालो क्लोज्ड एंड। क्लोज्ड, तो क्लोज्ड में सबसे पहले फंडामेंटल लेते हैं। फंडामेंटल कैसी शक्ल बनने वाली है? फंडामेंटल में ये अपनी पाइप तो कुछ ऐसा बनने वाला है ना। लैम्डा की टर्म में लैम्डा बाय फोर, सो लैम्डा इज इक्वल टू फोर एल, एफ नॉट इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय फोर एल। सही लिखा? ओके, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। इसके बाद क्या शक्ल बनेगी देखते हैं भाई, देखते हैं भाई, देखते हैं। तो इसके बाद कुछ ऐसी शक्ल बनने वाली है, ठीक। ओके, तो ये लेंथ कितनी आई? थ्री लैम्डा बाय फोर। सही लिखा? तो लैम्डा की वैल्यू फोर एल बाय थ्री, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वी बाय लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय फोर एल बाय थ्री। तो ये कौन सा हुआ? ये 3F नॉट हुआ। इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक है, इट इज थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के तीन गुना है, इसलिए ये हुआ थर्ड हार्मोनिक। समझ में आया? सेकंड ओवरटोन के बारे में देखते हैं। सेकंड ओवरटोन, चलो भाई इसके बाद की शक्ल बनाओ। इसके बाद की शक्ल बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो लैम्डा की टर्म में फाइव लैम्डा बाय फोर आएगा शायद, राइट। सो लैम्डा इज इक्वल टू फोर एल बाय फाइव, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय फोर एल बाय फाइव। अरे ये तो फाइव एफ नॉट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा हार्मोनिक है? इट इज फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। तो सेकंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इसमें इवन हार्मोनिक नहीं आते, इवन हार्मोनिक्स नहीं आते। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक तो क्या ही आएगा, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, ऐसे हार्मोनिक तुम्हें मिलने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? बहुत बढ़िया, छापो इसको। अब ध्यान सुनना, एक चीज होती है एंड करेक्शन। क्या होती है एंड करेक्शन? क्या मतलब है इसका? देखो, हमने कह दिया कि यहां पे बनेगा प्रेशर का नोड, यानी कि यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। जैसे ही हम एंड पे पहुंचे वहां पे प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर, बट असलियत में ऐसा नहीं होता। असलियत में प्रेशर जो है वो थोड़ा बाहर जाके नोड बनाता है, या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बाहर जाके नोड बनाता है इन रियलिटी, ठीक है, बिल्कुल एंड पे नहीं बनता। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंड करेक्शन, ठीक। अगर पाइप का रेडियस आर है, अगर पाइप का रेडियस आर है तो ये एंड करेक्शन की वैल्यू होती है 0.6 आर। अगर अपने को एंड करेक्शन की वैल्यू नहीं दे रखी तो पाइप के रेडियस के रिस्पेक्ट में 0.6 आर होती है। वहीं पे अगर अपना ओपन एंड आ जाए दोनों, तो क्या करेंगे? तो भाई साहब कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, यहां पे भी एंड करेक्शन और यहां पे भी एंड करेक्शन। समझ में आया? जैसे कि मान लो इसकी लेंथ एल है, तो ये तो हो गया लैम्डा बाय टू, तो लैम्डा बाय टू की वैल्यू एल नहीं रहेगी, एल प्लस टू ई हो जाएगी यहां पर। इज इट राइट? चमका? तो ये होता है एंड करेक्शन। इन रियलिटी ये होता है एंड करेक्शन लेके आते हैं। अगर आइडियल केस है तो एंड करेक्शन जीरो मान लो, ठीक है। वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, अपने को समझ में आया क्वेश्चन क्या चाहना चाहता है, एंड करेक्शन के साथ करवाना चाहता है या विदाउट करवाना चाहता है। समझ में आया? ओके, एक होती है ट्यूनिंग फॉक। कौन सी फॉक? ट्यूनिंग फॉक। कुछ इसकी ऐसी शक्ल सी होती है, लैब में देखा होगा तुमने। इसका मेन इंपॉर्टेंस यही है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फिक्स होती है। इस फॉक के ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी होगी भाई 520 हर्ट्ज, है ना, कि इसको अगर तुम स्ट्राइक करेंगे तो ये 520 ऑसिलेशन करेगी एक सेकंड में।
इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, फिक्स होती है इसकी फ्रीक्वेंसी किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, हाँ कि ना? इसे बोलते हैं ट्यूनिंग फॉक। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। जब भी अपने को एक्सपेरिमेंट में कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम लोग ट्यूनिंग फॉक का यूज करते हैं। समझ में आया? देन वी विल यूज ट्यूनिंग फॉक। कैसे, कौन से एक्सपेरिमेंट में हम ट्यूनिंग फॉक का यूज करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट तुम्हें दिखाता हूं अभी। वो एक्सपेरिमेंट का नाम है रेजोनेंस ट्यूब। क्या हो गया भाई तुझे? रेजोनेंस ट्यूब। It is used to find velocity of sound in air. हवा में साउंड की क्या रफ्तार है वो पता करने के लिए हम लोग रेजोनेंस ट्यूब का यूज करते हैं। कैसे सेटअप होता है? ध्यान देखना, ध्यान देना भाई साहब। ये एक ऐसी पाइप है, इसके अंदर भरा हुआ पानी, ठीक है? पानी भरा हुआ। इसके ऊपर हमने एक लगा दी ट्यूनिंग फॉक, जिसकी फ्रीक्वेंसी अपने को पता है। इसकी फ्रीक्वेंसी अपने को पता है, ट्यूनिंग फॉक पे दे रखा हमने इतनी फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉक हमने ऊपर लगा दी, पानी भर रखा है। यहां पे लगी है एक टूटी। क्या लगी है? एक टैप, टूटी, ठीक है? देखो, हमने ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट करवाया, फिर धीरे धीरे हमने पानी को लो करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहां पर लगा हुआ है एक स्केल, ठीक है? स्केल लगा हुआ ताकि कितनी हाइट है पानी की वो वगैरह वगैरह पता चल जाए। तो हमने पानी निकालना शुरू करा, ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट कर रही है और मुझे एक इंस्टेंट पर काफी ज्यादा आवाज सी सुनाई दी, हाई इंटेंसिटी साउंड सुनाई दी मुझे। तो वो ये सिचुएशन थी, जब खाली लेंथ L1 हो चुकी थी तब मुझे एक हाई इंटेंसिटी साउंड सुनाई दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस हो चुका है। इसका मतलब यहां पे मुझे फंडामेंटल मोड मिल गया है। यहां पे कुछ ऐसा सीन बन चुका है। ये तो फिक्स एंड होगा ना, क्योंकि पानी की सतह है, पानी वहां पे फिक्स एंड हवा के लिए, हाँ कि ना? अच्छा, एंड करेक्शन होगा। इन रियलिटी देयर विल बी सम एंड करेक्शन। तो ये L1 और ये E, L1 मैंने नाप लिया क्योंकि मेरे पास स्केल है, L1 मैं नाप चुका हूं, E के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? मैं 0.6 R ले सकता हूं, बट वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं हो सकता। तो मैंने L1 तो मेरे को एग्जैक्ट पता है, तो मैंने लिखा लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L1 प्लस E, ठीक है? ये मैंने लिख लिया, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, फिर इसके बाद फिर धीरे 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 पानी घटता गया, घटता गया, घटता गया। इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L1 प्लस E। तो फिर नीचे पानी घटता गया, घटता गया, घटता गया, और फिर एक बार हाई इंटेंसिटी साउंड सुनाई दी और वो मुझे साउंड यहां पे सुनाई दी। फिर मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि फर्स्ट ओवरटोन मिल गया है, तभी तो हाई इंटेंसिटी साउंड आई, तभी तो रेजोनेंस बना। तो मैंने ये वाली जो लेंथ है L2 वो नाप ली, ठीक? तो फिर मैंने कहा 3 λ/4 इज इक्वल टू L2 प्लस E। मैंने L1 नाप रखा है, L2 नाप रखा है। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, इसमें से ये माइनस करा तो आएगा अपने पास λ/2 इज इक्वल टू L2 माइनस L1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 2 × L2 − L1। क्या मेरे को L2 पता है? हाँ। क्या मेरे को L1 पता है? हाँ। क्या मेरे को लैम्डा पता चल गया? हाँ। तो फ्रीक्वेंसी होती है वी बाय लैम्डा, राइट? तो वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, लैम्डा इज 2 × L2 − L1। क्या मेरे को फ्रीक्वेंसी पता है? बिल्कुल। L2 पता है? बिल्कुल। L1 पता है? बिल्कुल। तो मेरे को वेलोसिटी पता चल गई। अरे, इसमें एंड करेक्शन थे पर वो कैंसिल आउट कर दिए हमने माइनस करके, उनका योगदान ही नहीं आया अपनी कैलकुलेशन में। अरे, समझ में आया? सो दिस इज रेजोनेंस ट्यूब, जहां पे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये था अपना स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीट्स, फिर उसके बाद डॉपलर इफेक्ट वगैरह वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। इसके तुम क्वेश्चंस अपनी बुक में से कर लो, ठीक है? हाँ। ऑलराइट, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।